अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आप देख सकते हैं हम हैं इस वक्त पटाया सिटी, पटाया के बीच पे इस वक्त हम मौजूद हैं और हम तैयारी कर रहे हैं कोरल आइलैंड जाने की। अभी यहाँ से बोर्ड लेंगे और कोरल आइलैंड जाएंगे, वहाँ का भी आपको सीन दिखाते हैं और बोर्ड की भी सीन दिखाएंगे आपको। तो बहुत मज़े के सीन देख रहे दिखाए जाएंगे आपको। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो कहीं तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो को देखते रहे अंत तक। तो चन्नापे वाली बोट गई है अपनी, अभी बैठते हैं और फिर रवाना हो रहे हैं। इधर मेनू ना बेचो हूँ नहीं। क्यों मौसम भाई, कैसा मौसम है? चलें तो जनाब बैठने लगे। ये रही अपनी बोट, अभी सेट हो रही है, सेट होती है तो फिर इसमें बैठते हैं। बोट वाले भाई के नहरे नहीं मुकरे, बोट नवी है तो खरीदनी है, सफ़र करना है तो नवी नवी लाभता पाया यार, कभी इधर तो कभी उधर, करना की यार। चलो जब दूसरी साइड पे अभी साइड पे आ गया, ऐसे तो हमारे इधर ही पूरे करवा देगा। ये आ गया जनाब बोट वाला भाई, बोट वाले भाई खिला ले। ओके सर चलो लगे हैं। चलो जी, अभी अपनी अपनी दो लाइफ जैकेट, घर में कपड़े पहनने के लिए मिले ना मिले, यहाँ लाइफ जैकेट जरूर मिलेगी। ठीक है ठीक है, मदर भाई पहन लिए हैं लाइफ जैकेट और ये बोर्ड में हम बैठे हुए हैं। जी ये बिल्कुल जो ना सिटी के नज़दीक है, क्योंकि यहाँ पानी की गहराई बहुत कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा गहराई में इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ जो लोग पैराग्लाइडिंग वगैरह करना चाहते हैं पैराग्लाइडिंग करेंगे, उनका वेट कर रहे हैं, ज़्यादा निकलेंगे इंशाल्लाह। खूबसूरत व्यू है ये देखें ना, तो ये भाई पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं भाई, जिनको डर नहीं लगता वो तो इंजॉय करें और जिन्होंने नहीं करना वो वेट करें, यहाँ से फिर आगे निकलेंगे। तो ये स्टेशन भी इन्होंने ना ऐसे ही खड़ा किया हुआ पानी के ऊपर, पता नहीं क्या सीन है लेकिन ये ऐसे ही खड़ा है, काफ़ी बड़ा स्टेशन बनाया हुआ और ये पानी के ऊपर तैर रहा है। अभी लोग वापस आना शुरू हो गए हैं तो आगे निकलेंगे, इकट्ठे कर रहे हैं सबको, आगे चलते हैं फिर आगे का भी सीन देखते हैं इंशाल्लाह। Thank you.
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮਰੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸਾਹ ਚੁੱਕ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਆ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਯਾਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਉਸ ਨਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਕੰਟੇਨੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਆਵਾਂ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੰਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੇ ਰਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਬਈ ਹਮ ਤੋ ਸਾਫ ਕਹੇਗੇ ਹਮਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਠਾਨ ਪਠਾਨ ਅਸਲ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸੇ ਜੰਪ ਕਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬ੍ਰੋ ਯਾਨੀ ਹਮਾਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਔਨ ਦੀ ਬੋਰਡ तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली कोरल आइलैंड पे। ये खूबसूरत आइलैंड जो आपको नज़र आ रहा है यही सामने जो नज़र आ रहा है यही है सारा तीनों तरफ। यहाँ जिन्होंने जिस तरह की इंजॉय करना है वो आप इंजॉय करें। यहाँ हमें टाइम वगैरह बता देंगे जितनी डेट में हम इंजॉय करके सारा एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे फिर वापस निकलेंगे। यही है सारा व्यू जो आपको सामने नज़र आ रहा है। ये पैकेज हमें मिला था तकरीबन 350 थाई बात में, और अगर ये डॉलर्स की बात करें तो ये बनते हैं तकरीबन $10, और पाकिस्तानी रुपयों में बात करें तो ये बनते हैं तकरीबन 2000 रुपये। अभी नीचे चलते हैं अभी नीचे उतर के हम लोग करते हैं जो है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इस तरह की मज़े मज़े की वीडियो आपको मिलती रहे। कोरल आइलैंड पे पहुंच चुके हैं आइलैंड नहीं आइलैंड मीटिंग पॉइंट पे जानते हैं मीटिंग पॉइंट पे जा रहे हैं आप ही वापसी का रक्षा मिलेगी। ओके थैंक यू मिलते हैं देने भाई आज भाई ना आज ठीक है आपका।